जिस लड़की को रागिनी 6 साल पहले दादी के हाथों सौंप दी थी वही लड़की गुड़िया रानी है। मगर इस बात का अभी पता महेंद्र शुक्ला और उसकी धर्मपत्नी आरुणी को भी नहीं है, क्योंकि इस राज को दादी अभी तक तो अपने घरवाले के सामने नहीं आने दिया है। लेकिन आज दादी गुड़िया को लेकर जब उसके गांव पहुंची है तो वहीं पर दादी के हाथ से वो बक्सा गिर गया था। फिर उसके बाद गुड़िया रानी का सारा सच फिर से दादी के सामने आ जाता है, इसीलिए अब दादी गुड़िया के मारने के लिए वो अगले ट्रैक में जंगल में लेकर पहुंचेगी। लेकिन वहां गुड़िया भी दादी से कम नहीं रहेगी और उनसे गुड़िया सवाल भी करती हैं कि आप इधर काहे के लिए आई हैं, और हमने सुना है कि जंगल में बहुत से शेर चित्ते रहते हैं। लेकिन यहां दादी गुड़िया से बोलेगी कि तुम चुपचाप चलो। वही जैसे गुड़िया पीछे की तरफ मुड़ेगी तभी दादी उसे एक जड़ी वाली पत्ते सुंघा देगी और दादी उसे बहुत जोर से पकड़ लेती है। मगर गुड़िया भी दादी से वहां पर बहुत कोशिश करती है हाथ छुड़ाने के लिए, मगर गुड़िया दादी के आगे अपने मकसद में नाकामयाब हो जाती है। लेकिन अब दादी उसी जंगल में गुड़िया को कुछ दूर तक खींच कर ले जाती है और उसे मरने के लिए अब अकेला वहीं छोड़कर चली आएगी। लेकिन जब दादी घर पहुंचेगी तो उनसे महेंद्र गुड़िया के बारे में पूछते हैं, खास करके परी गुड़िया को लेकर दादी से और सवाल करती है, क्योंकि यहां पर परी को पूरा मालूम रहता है कि दादी गुड़िया के साथ जरूर न जरूर गड़बड़ करके आई है। मगर यहां पर दादी घर वालों को यकीन दिलाने के लिए कह देगी कि हम उसको वहीं पर छोड़कर आ गया और वो आना नहीं चाहती थी।